CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूर्वा का एक पाठ। पाठ का शीर्षक है अंगुलीमाल। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था। ए, जो कुछ है रख दो यहाँ। तुमसे कह रहा हूँ, देखिए, रखो, चलो, मुझे छोड़ दो। साथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ दो। ए, तुम भी मेरा होश नहीं उड़ा रहे हो। ये मेरी अंगूठी ले लो। मुझे छोड़ दो। वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया। नाथ, महात्मा, प्रभु, महात्मा, प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं। वहाँ अंगुलीमाल है। हाँ प्रभु। वो बहुत बड़ा डाकू है। हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं। जाएं। हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है। खतरा है। ना जाए प्रभु, ना जाए, ना जाए प्रभु। डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। कौन? कौन है वहां? वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है। अरे, मेरा स्वागत? इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो। ठीक है। अब इन पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ। ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है? तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया
वो दोबारा जुड़ता नहीं। जी जी महात्मा। तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते? जी सुनो, पेड़ हो या अन्य प्राणी, जी सब में प्राण होते हैं। प्राणियों को तुम क्यों सताते हो, उन्हें मारते क्यों हो? मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। कल्याण हो, आयुष्मान भव। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया। अंगुलीमाल, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद और मंगत राम। ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगडिंगडो। ध्वनि संपादन, निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।